नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में आप सभी लोगों का जो है एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी भी है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए जो शुभकामनाएं कि वो अपनी तैयारी जो है प्रारंभ कर दें, ताकि एक निश्चित समय के अंतर्गत वो बचे हुए समय का सदुपयोग करते हुए प्रारंभिक परीक्षा के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत कर लें। ये तब तैयारी को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं जिसको देखना जरूरी है और जिसके माध्यम से आप अपनी दावेदारी को प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से मजबूत कर पाएंगे। तो हम एक एक करके उन बिंदुओं को जो देखते हैं और कुछ परीक्षा के दौरान जो भी वर्तमान समय में नोटिफिकेशन के माध्यम से परिवर्तन किए गए हैं उस पर भी हम लोग जो चर्चा करते हैं। जिस तरीके से अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है वैसा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीसीएस के इस परीक्षा के अंतर्गत काफी सीटें रहने की संभावना है, और इस तरीके से जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही सही और बहुत ही अच्छी न्यूज है कि वो इसके माध्यम से अंतिम रूप से अपने आप को चयन सूची में शामिल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जिस तरीके से समय अभी बचा हुआ है, यदि उसका रणनीतियों के अंतर्गत जो सदुपयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपकी तैयारी पूर्ण हो सकती है। यदि सदुपयोग किया जाए बाकी बर्बाद करने के लिए पूरे जीवन का भी समय कम पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में बचे हुए समय में जो एक कैंडिडेट जो रेगुलर तैयारी कर रहा है, तैयारी की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए उन रणनीतियों के साथ एक सही लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप जो पूर्व के प्रश्न पत्र रहे हैं, पूर्व वर्षों के जो प्रश्न पत्र रहे हैं, पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पूर्व में पूछे गए प्रश्नों से आते हैं। ऐसे सवालों को तैयार करने के पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि इससे परीक्षा की स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी होती है, और वहां से अगर सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें आपको समय और संसाधन को खर्च नहीं करना होगा और कम समय में वैसे सवालों को हल करने में मदद होगी। लेकिन चूंकि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से परीक्षा के ट्रेंड में परिवर्तन आया है, जिस तरीके से प्रवृत्तियां उसकी चेंज हुई है, वहां पर आपको इसे व्याख्या सहित इन प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि व्याख्या का तात्पर्य यह है कि यदि किसी टॉपिक से कोई सवाल पूछा जाता है तो उससे संबंधित सभी पक्षों, पहलुओं और आयामों को आपको तैयार करना होगा, और ऐसा करके इन सभी आयामों की तैयारी करके आप न केवल उस टॉपिक की तैयारी करेंगे बल्कि उससे आपको एक आत्मविश्वास आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा परीक्षा में जाने के लिए, बैठने के लिए। और दूसरा, अगर उससे अप्रत्यक्ष रूप से उसे थोड़ा सा परिवर्तन करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो टॉपिक आपको तैयार हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने वाली संस्था, मूल कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना किसी वर्ष में पूछा गया है, तो निश्चित तौर पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कितने प्रकार के फसलों के लिए जो है मूल्यों की जो है अनुशंसा करता है और उसके क्या क्या कार्य हैं, उसमें कब क्या परिवर्तन हुए हैं, इन सारी चीजों को अपने तैयारी में शामिल करने का प्रयास कीजिए। इससे न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि आगे चलकर के मुख्य परीक्षा में उस टॉपिक से पूछे जाने वाले टिप्पणी इत्यादि की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों को आप कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहां से अगर ज्यों का त्यों सवाल पूछा जाता है तो वो न केवल तैयार होगा बल्कि आपको प्रश्न पत्र के स्तर को समझने में मदद मिलेगी, उसके दायरे को समझने में मदद मिलेगा, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और व्याख्या से जब आप व्याख्या पूरा पढ़ लेंगे तो ऐसी स्थिति में व्याख्या पूरा पढ़ने के बाद अगर वहां से इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, या उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके कुछ पक्षों को हटा करके और कुछ पक्षों को शामिल करके पूछा जाता है तो वहां से सवाल आपके सही होंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है समसामयिकी। समसामयिकी एक ऐसा विषय है, अगर पिछले 3 से 4 वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया जाए तो इसके अंतर्गत ये बातें समझ में आती हैं कि लगभग 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में रेंज रहा है, उसका दायरा रहा है कि इतने संख्या तक सवाल समसामयिकी घटनाओं से पूछे जाते हैं, इतने सवाल लगभग अपना स्थान बना पाने में सफल होते हैं।
तो यह एक ऐसा टॉपिक है जो एक विषय या एक विषय से ज्यादा महत्व रखता है, न केवल आपके स्कोर को बढ़ाने में बल्कि प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने में यह बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। लेकिन समसामयिकी कहने से ही समसामयिकी की तैयारी नहीं हो जाती। इसके अंतर्गत मूल रूप से अगर देखा जाए तो कई बिंदुओं के बीच में आपको तैयारी करना होगा। राष्ट्रीय घटना है, आर्थिक है, इसी तरीके से खेल है और पुरस्कार है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो रेगुलर परीक्षा में यहां से पूछे जाते हैं, इसलिए आप मंथली जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो डेवलपमेंट आपके माइंड में हो रहा है, वो इन टॉपिक को आधार बना करके होना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी एक मैगजीन, चाहे वो क्रॉनिकल हो या दृष्टि हो, इसी तरीके से कोई एक मैगजीन मंथली आप पढ़िए और एक जो है एक न्यूज आप 24 घंटे के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण जो है टाइम सिलेक्ट कीजिए और उस पर आधारित आप न्यूज देखते रहे। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी इन 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में पूछे जाते हैं जो किताबों में नहीं आ पाते, लेकिन न्यूज में कहीं ना कहीं से वो प्रचलित होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो न्यूज अगर सुना जाता है तो वहां से भी वो सवाल सही हो जाते हैं। हमारा टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होने का, तो एक मैगजीन के साथ एक जो है आप हेडलाइंस और इस तरीके से न्यूज भी सुनने का कार्य करेंगे और अपने समसामयिक की घटनाओं को इन बिंदुओं के बीच में पिरोने का प्रयास करेंगे, शामिल करने का इसमें प्रयास करेंगे। अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चयनित टॉपिक। चयनित टॉपिक इसका तात्पर्य यह है, इसका अर्थ इस बात से है कि इन दोनों बिंदुओं के साथ तो आपकी तैयारी चलती रहेगी, ये तो तैयारी चलती ही रही, लेकिन अपने समय का प्रबंधन इस तरीके से कीजिए कि कुछ चयनित टॉपिक का आप विस्तृत रूप से अध्ययन कीजिए, क्योंकि वहां से सवाल न केवल ज्यादा पूछे जाते हैं बल्कि वहां से बहुआयामी सवाल होने की संभावना होती है जो यहाँ से पूरी तरीके से हो सकता है ना कंप्लीट हो पाए। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो लोकप्रिय हैं और जो आसान हैं, जो काफी सवालों को कवर करते हैं, तो संविधान है, इसी तरीके से भूगोल है और स्वतंत्रता आंदोलन। ये सवाल आप तैयार करने का प्रयास कीजिए। ये एक ऐसा टॉपिक है, संविधान है, भूगोल है, स्वतंत्रता आंदोलन, अगर इसमें समसामयिक घटनाओं को शामिल कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर यह टोटल जो है सिलेबस का 70% सिलेबस होता है, जो कि परीक्षा में आपके क्वालिफाई करने में, निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र के साथ साथ समसामयिक घटनाओं को इन बिंदुओं में देखने का प्रयास कीजिए और चयनित टॉपिक के अंतर्गत इनको अगर शामिल करने का प्रयास कीजिए, इनको विस्तृत रूप में पढ़ने का प्रयास कीजिए, तो इससे आपको एक आत्मविश्वास आएगा और परीक्षा में आपकी दावेदारी अत्यंत ही मजबूत और प्रबल होगी। तो ये थी प्रारंभिक परीक्षा समसामयिक को उस चयनित टॉपिक को लेकर के रणनीतियां। इसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ बारीकियां हैं जिसको जानना हर कैंडिडेट के लिए जरूरी है, और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले 2-3 सालों में मिले और 2-3 सालों में ऐसे लोगों की, अपने आसपास के लोगों की संख्या को गिना जाए तो ऐसे लोगों की संख्या लगभग 100 से 150 है जो एक प्रश्न या 2 प्रश्न से बाहर हो जाते हैं। तो उनके लिए उन रणनीतियों को भी समझना आवश्यक है, इन रणनीतियों के माध्यम से एक एक अंक बचाने की जरूरत है ताकि वो मुख्य परीक्षा में पहुंच सके। तो हम उन बिंदुओं को भी यहां पे देखने का प्रयास करेंगे। नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ सूचनाएं हैं, कुछ जरूरी है बातें हैं, उसको जानना आवश्यक है। एक तो यह है कि प्रश्न पत्र में जब भी आप शामिल हो रहे हैं प्रश्न पत्र में, उस दौरान की जो अपेक्षाएं हैं कि समस्त एंट्रीज, चाहे वो मैनुअल सूचनात्मक हो या इसी तरीके से सर्किल को फिल करना हो, गोला को भरना हो, उसके लिए कैंडिडेट स्वयं जिम्मेदार है और उसको पूर्ण करना जरूरी है उसके लिए। यदि इसमें किसी तरीके की अपूर्णता की स्थिति रहती है तो स्वयं कैंडिडेट जिम्मेदार होगा और ऐसे सवालों को, ऐसे कंडीशन को, ऐसे गलतियों को सही करने के लिए वो अपेक्षा लोक सेवा आयोग से नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के असमंजस से, दुविधा से, शंका से बचने के लिए आप इन बिंदुओं पर सावधानी जरूर रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको प्रश्न के लिए केवल और केवल एक ही विकल्प
का चयन करना होगा। अगर दो विकल्प का आपके द्वारा चयन किया जाता है तो निश्चित तौर पर वह प्रश्न एक रॉन्ग आंसर के रूप में, रॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ट्रीट किया जाएगा और वहां पर आपको यह जानकारी होना चाहिए कि यह प्रश्न पत्र में माइनस मार्किंग का प्रावधान है और प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 अंक आपके उस अंक के लिए निर्धारित अंक से घटा दिए जाएंगे। यदि एक अंक है तो 1/3 अंक वहां पे बाहर कर दिए जाएंगे जो आपके प्राप्त अंक है, जितना आपको प्राप्त अंक के रूप में मिला हुआ है वहां से 0.33 या 1/3 अंक घटा दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको केवल एक ही विकल्प का वहां पे चयन करना होगा। एक और बात इसमें महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में व्हाइटनर या इसी तरीके से ब्लेड इत्यादि के प्रयोग को पूरी तरीके से मनाही है। अगर नोटिफिकेशंस के पॉइंट संख्या 18, 19 और 20 का अध्ययन किया जाए तो वहां पे ये बातें समझ में आती हैं। वहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, इसी तरीके से ब्लेड का यूज नहीं करना है और यदि इसका प्रयोग करके उसमें किसी भी तरीके से छेड़छाड़ करने का प्रश्न पत्र में प्रयास किया जाएगा तो वो इनवैलिड माना जाएगा और इसके लिए कैंडिडेट स्वयं पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर लेना है और इसमें किसी भी प्रकार की गलती प्रश्न पत्र को हल करने के दौरान नहीं करना है। इसी के साथ परीक्षा में एक और व्यवस्था MES, ये व्यवस्था लागू की गई है। MES का मतलब होगा कि मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड, यानी कि न्यूनतम दक्षता मानक, न्यूनतम दक्षता मानक लागू किया गया है और ये कैटेगरी वाइज इसके लिए परसेंटेज निर्धारित किया गया है। इसमें SC वर्ग के लिए और इसी तरीके से ST वर्ग के लिए 35% मार्क कंपलसरी किया गया है। इसी तरीके से अन्य वर्गों के लिए, इसको छोड़ करके अन्य वर्गों के लिए यहाँ पर 40% अंक जो है निर्धारित किए हैं और ये व्यवस्था जो है प्रारंभिक और मेन, प्री और मेन दोनों ही स्तर पर लागू किया गया है। यानी कि कैंडिडेट को श्रेष्ठता सूची में या चयन सूची में आने के लिए आवश्यक है कि वो प्रारंभिक परीक्षा और पास होने के बाद मेंस के स्तर पर कम से कम इन वर्गों के लिए 35% और इन वर्गों के लिए 40% अंक ले आना जरूरी है। यदि इससे कम अंक ले आए जाते हैं तो सीट भले ही रिक्त हो जाए लेकिन कैंडिडेट का चयन नहीं किया जाएगा, अर्थात इतने न्यूनतम मार्क्स प्राप्त करने प्रारंभिक और मेंस दोनों ही लेवल पर आवश्यक है। इसी तरीके से चयन के लिए निर्धारण की अगर बात किया जाए कि किस आधार पर निर्धारण होगा तो यहाँ पर दो प्रश्न पत्रों में फर्स्ट पेपर यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र जो है फर्स्ट पेपर यही इसका महत्वपूर्ण आधार होगा और इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची या चयन सूची बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान में रखना होगा कि जो सेकेंड पेपर होगा ये किसी भी स्थिति में कम महत्वपूर्ण इस आधार पर नहीं होगा क्योंकि परीक्षा को पास करने के लिए इस प्रश्न पत्र को हल करना ही नहीं बल्कि इसमें न्यूनतम 33% मार्क ले आना आवश्यक है। इस बात की सूचना बाकायदा नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो इस तरीके से सेकंड पेपर में 33% मार्क ले आना आवश्यक है। यद्यपि ये मार्क्स फर्स्ट पेपर के साथ जोड़े नहीं जाएंगे, केवल इसी पेपर के प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी वरिष्ठता सूची या चयन सूची का निर्धारण किया जाएगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा से जो है चर्चा का विषय रहा है वो मेंस के लेवल पर जो है सब्जेक्ट है। यहाँ पर दो सब्जेक्ट जो कि पहले बहुत ही लोकप्रिय हुआ करते थे उन दोनों ही सब्जेक्ट को मुख्य परीक्षा से बाहर कर दिया गया है, यानी कि सोशल वर्क और डिफेंस, इन दोनों ही पेपर को मुख्य परीक्षा के स्तर पर कोई जगह नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना, एक महत्वपूर्ण रणनीति, महत्वपूर्ण टेक्निक्स जो कि आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने के दौरान और प्रश्न पत्र को हल करने के दौरान अपनाना होगा। और यदि कोई भी कैंडिडेट जो कि प्रीमेंस इत्यादि के चरणों में अपने आप को शामिल किया है लेकिन कुछ वर्षों से वो असफल हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो इसका कोई भी तात्पर्य नहीं है कि उसे निराश होने की जरूरत है। अगर उसे परेशान होना है तो इस बात के लिए होना है कि वो अपने स्तर को हर अगले दिन सुधारने का प्रयास करे ताकि अगली परीक्षा में उसकी न केवल दावेदारी मजबूत हो बल्कि उसका चयन अंतिम रूप से परीक्षा में शामिल हो सके।
क्योंकि अगर आप असफल हो रहे हैं तो यही चीज बताता है कि आप प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रयास ही नहीं कर रहा उसके असफल होने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप असफल हो रहे हैं फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पर अगर आप लगे हैं और हर अगले दिन आप स्वयं अपना मूल्यांकन कर रहे हैं कि मेरे स्तर में सुधार है, तो आप यकीन मानिए कि लोक सेवा के द्वारा निर्धारित मानक को आप जरूर पूरा करेंगे और आने वाले समय में आप चयन सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराएंगे। तो ये रही आज की इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा की कुछ सामान्य सूचनाओं पर चर्चा किया, और पुनः हम एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अपनी वाणी को हम इन दो पंक्तियों के माध्यम से विराम देना चाहेंगे कि उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, और मुझे यकीन है कि ये आसमान कम है। नमस्कार।